नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जेंडर के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में आपने नाउन के भेदों को आपने सीखा होगा। जाति के दृष्टिकोण पर नाउन के पांच भेद होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जेंडर के बारे में सीखेंगे कि नाउन में जो है जेंडर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए चलते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि हम जेंडर कहते किसे हैं। तो जेंडर हम उन चीज़ों के बारे में कहते हैं जिससे यह पता चल जाए कि उसका लिंग क्या है, अर्थात लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया ही जेंडर कहलाती है। जैसे मैन, ओमैन, सन, वाटर। मैन से पता चल जाता है कि यह हमारा पुरुष जाति का है, ओमैन से स्त्री जाति का। तो आइए चलते हैं, अब इनके भेदों के बारे में सीखते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, तो इसका पहला भेद होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसका जो आपका डिफिनेशन होगा, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, बुल, लायन, ये सभी आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। नेक्स्ट, सेकंड आपका होता है फेमिनिन जेंडर, जैसे कि हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसमें क्या है कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे ओमैन, का, लाइनेस, लाइनेस का अर्थ होता है शेरनी, गर्ल, और ETC का अर्थ होता है इत्यादि। मतलब और भी ऐसा चीज़ें हो सकता है, जैसे आप बीच भी बोल सकते हैं, BITCH। बीच का अर्थ होता है कुतिया, जो कि कुत्ते का फेमिनिन वर्ड है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारा वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट, कॉमन जेंडर, उभयलिंग। इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है दोनों का बोध करा देता है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध करा देता है, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स, जब हम पेरेंट्स बोलते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि हम माँ को बुला रहे हैं या पिता को, तो इससे किसी का भी बोध होता है तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पर्सन, स्टूडेंट, मोनार्क, सर्वेंट, इसी तरह से और भी सारे वर्ड हैं जो कि आप याद रखेंगे, ये सभी आपका क्या है, कॉमन जेंडर है। और चौथा आपका आ जाता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में जो है नाउन जो है ना तो पुरुष जाति का बोध कराएगा ना ही स्त्री जाति का। इसमें निर्जीव पदार्थ होता है वो छोटा हो, और जैसे कीड़े मकोड़े पौधे ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पेन, रैट, आंट, फ्लाई, फ्लाई का अर्थ यहाँ पर जो है मधुमक्खी का है, उड़ना का अर्थ में आप मत लीजिएगा, फ्लाई का अर्थ भर भी होता है। देखिए ये आपका चार तरह का जेंडर समाप्त हो गया। अब इसमें देखेंगे कुछ ऐसा नाउन है जो कि मैस्कुलिन की तरह प्रयोग होता है, जबकि वैसा नाउन जो है न्यूट्रल जेंडर में आता है। लेकिन इसके प्रयोग से हम जानेंगे ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे देखिए सन, सन क्या है आपका, न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि ये निर्जीव है, तो इसका प्रयोग जो है हम जब भी करेंगे पुल्लिंग में करेंगे। जैसे सूरज चमकता है, सूरज गर्म है, इस तरह से। युद्ध शुरू हो गया, हो गई नहीं, हो गया, तो हो गया कहने का मतलब है कि पुल्लिंग में हम इसका यूज करेंगे। इसी तरह से कुछ और वर्ड है जैसे विंटर, समर, ये सभी क्या है, पुल्लिंग वर्ड हैं। और इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग में माना जाता है, तो जैसे मून, स्प्रिंग, नेचर, ट्रेन, मर्सी। मर्सी का अर्थ होता है कृपा या दया। चैरिटी का अर्थ आप जानते हैं, संस्थान, दया वाला। पीस, ट्रेन। अब जैसे ट्रेन है तो ट्रेन का अगर सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या कहते हैं, रेलगाड़ी चली गई, रेलगाड़ी आ रही है, इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। अर्थात ये फेमिनिन जेंडर में इसका हम प्रयोग करते हैं। और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन कुछ ऐसा वर्ड है जो कि न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। अब हम सीखेंगे जेंडर का परिवर्तन करना, मैस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनिन जेंडर कैसे बनाएंगे। इसके कुछ नियम हैं, उस नियम को हम देखेंगे और सीखेंगे। पहला नियम में है आपका कि
जो वर्ड दिया गया है उसमें जो है कुछ परिवर्तन करके बनाते हैं, लेकिन कुछ वैसा वर्ड है जिसका कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आप याद ही कर लें। तो जैसे यहाँ पे है पहला रूल में जो भी वर्ड दिया गया है वो सभी याद करने वाला है, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है। जैसे आपका दिया गया पहला बैचलर, बैचलर का अर्थ था कुमारा, इसका फेमिनिन बनेगा मेड। इसी तरह से बोअर, सॉ, बुल, काव, बक, डो, कॉक, हैन, डॉग, बिच, रैम, यू, ट्यूटर, गवर्नेस, शिक्षिका, जेंटलमैन, लेडी, हार्ट, रॉ। ड्रोन बी, ड्रोन का अर्थ होता है भोंगड़ा। हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, लैड लास, लैड लड़का, फॉक्स लोमड़ी, विक्सेन लोमरनी, सेलिब्रेट वर्जिन, पारामोर केप्ट, ड्रैक डक, मॉन्ग नन, नेफ्यू निस, टेलर सिमेट्रेस, ब्यू बेली, सर मैडम, अंकल आंट या आंटी भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए ये हुआ फर्स्ट में जिसमें कि कोई नियम नहीं था, इसको आपको याद करना था। अब चलेंगे कुछ ऐसा वर्ड जिसके कि अंत में हम ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं। तो पहला दिया गया ऑथर, इसका हो जाएगा ऑथरेस, जायंट जायंटेस, हेयर हेयरेस, होस्ट होस्टेस। इसी तरह से आप सभी को याद कर लें एक एक करके, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और थर्ड में आप देखेंगे कि वोवेल वर्ड को जो है हम लॉक कर देते हैं और उसमें ई डबल ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एक्टर, एक्टर में ओ वोवेल है, इसमें क्या करेंगे वोवेल को हटा देंगे, ई डबल एस जोड़ देंगे। कंडक्टर कंडक्टरेस, डायरेक्टर डायरेक्टरेस, इनचेंटर इनचेंटरेस, फाउंडर संस्थापक फाउंडरेस, इनहेरिटर उत्तराधिकारी इनहेरिटर्स, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टरेस, नार्गो नेग्रेस, प्रोटेक्टर प्रोटेक्टरेस, प्रोपेरिएटर प्रोपेरिएटरेस, टाइगर टाइगरेस, वेटर वेटरेस। अगले नियम में चलेंगे हम, इसमें से देखेंगे आप कि पेयर वर्ड रहेगा, इस पेयर वर्ड में आप क्या करेंगे, मैस्कुलिन वैसे वर्ड का बनाएंगे जो कि आप उस वर्ड को आसानी से समझ पाते हैं कि ये आपका मैस्कुलिन वर्ड दिया गया है। बाकी जो वर्ड दिया गया रहेगा उसको आप छोड़ देंगे, उसको उसी तरह से लिख देंगे। जैसे बेगर मैन, बेगर का अर्थ आप जानते हैं भिखारी होता है, मैन लग जाने से इससे स्पष्ट हो गया कि ये पुरुष वाला भिखारी है, मतलब ऐसा भिखारी है जो पुरुष में पुरुष जाति का है। तो जब हम इसका फेमिनिन बनाएंगे सिर्फ मैन का बनाएंगे, बाकी वर्ड को उतार देंगे। तो मैन का फेमिनिन ओमेन होता है, यहाँ ओमेन दे देंगे और बेगर को बेगर लिख देंगे। इसी तरह से बुल काफ का प्रयोग करेंगे काव काफ में, बुल का अर्थ होता है सांड, काफ का अर्थ होता है बछड़ा। तो बुल से स्पष्ट हो जाता है कि बछड़ा जो आपका पुरुष जाति का है, इसको बस फीमेल में बदलना है, तो काफ रहने देंगे। बुल का अपोजिट क्या होता है अर्थात फेमिनिन क्या होता है, का होता है, काव लिख देंगे। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ होगा, चेयरमैन चेयर ओमैन, कॉक स्पैरो हैन स्पैरो, इंग्लिश मैन इंग्लिश ओमैन, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ही गॉट सी गॉट, ही बियर
सीवियर, ही एफ सी एफ, जैक एस जेनियस, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, मिल्क मैन मिल्क वोमैन, मिल्क सर्वेंट मैट सर्वेंट, पी कॉक पी हैन, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, स्टेप सन स्टेप डॉटर, वाशरमैन वाशर वोमैन। उम्मीद है कि आप जेंडर के बारे में सीख गए होंगे। इसके अलावा और भी ग्रामर रूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से भी उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपका जो है इंग्लिश का बेसिक ग्रामर अच्छा हो पाएगा। क्योंकि आप सिंसियर रूप से एक एक पार्ट करके हर एक वीडियो को देखेंगे, तभी आगे अच्छे तरह से आपको समझ में आता रहेगा। क्योंकि आगे चलकर आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ते रहेगी, जहाँ कि आप सीनियर क्लास में टीचर आपको ये सभी बातें नहीं बताएंगे। अब आपसे अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।